हेलो बच्चों, हमारे यहाँ पर इग्नू के BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फुल कोर्स की क्लासेस हो रही हैं। और ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जून दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। इन क्लासेस को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं ये हम आपको आज बताने वाले हैं, और साथ में करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना। वहाँ पर जितनी भी क्लासेस, जितने भी कोर्सेज हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर जाके आप सबसे पहले डेमो क्लास चेक कर लीजिएगा। जब आपको डेमो क्लास पसंद आ जाती है, उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पर्टिकुलर कोर्स का जिस जो आपको ज्वाइन करना है। फीस पेमेंट करने के बाद आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको यहाँ पर अभी करके दिखा देते हैं, ठीक है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप इस ऑप्शन पे, यानी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सारे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्लासेस दे रखी हैं, कोर्सेज दे रखे हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करके देख लीजिएगा या फिर वेबसाइट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, इस सेक्शन में देखिएगा, जैसे ये लिखा है BMTC 131, BMTC 132 ऊपर मैथ्स की है, और नीचे यहाँ पर फिजिक्स की दे रखी है, BPSCT 131, BPSCT 133, इस तरह कर कर इस तरीके से। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये को बैच डिटेल हेयर है, दिख रहा है ये बैच डिटेल हेयर। अगर मान लीजिए आपको जैसे BMTC 132 या फिर BMTC 133 की क्लास ज्वाइन करनी है, तो इसके ठीक नीचे ये लिखा है बैच डिटेल हेयर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको क्लास कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल रजिस्टर करना है और फीस पे करनी है, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फीस यहाँ पे दे रखी है, बाकी की वीडियो को पॉज करके या फिर वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल दे रखी, क्लास कब स्टार्ट होगी, कब फिनिश होगी, क्लास लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी, और कोर्सेज में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कोर्सेज की वैलिडिटी क्या होगी, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ फीस भी लिखी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देन यहाँ पे देखो माई अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दो ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्हें क्लास ज्वाइन करनी है, वो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने पहले से क्लास ज्वाइन कर रखी है, वो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें एक साइड आपको रजिस्टर का ऑप्शन और एक साइड आपको लॉगिन का ऑप्शन दे रखा होगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करके, है ना, जैसे यहाँ पे देखा है स्टूडेंट नेम, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल और पासवर्ड एंटर करके अपने आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, है ना, एक मिनट बच्चे, लॉगिन से पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो ये यूट्यूब दिख रहा है ना आपको, यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ना सारी क्लासेस, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आप नोटिस करो, ये देखो ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस प्ले लिस्ट पर ओपन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, आपको सब जाएगा, जैसे BPSCT 143, BPSCT 141, है ना, फिजिक्स की क्लासेस, और नीचे देखोगे आपको मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी, BMT 144, BMT 141, BMTC 134, यहाँ पे आपको क्लासेस दिख जाएगी। अभी इसके अंदर और भी डेमो क्लास ऐड होंगी, तो जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है ना, वो पहले यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पर जैसे आप ईमेल और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ से देखना, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखा स्टार्ट क्लास या फिर यहाँ पे बाय का ऑप्शन होगा। अभी BMTC 131 और BPSCT 131, ये दोनों फ्री क्लासेज हैं, बाकी सारी आपकी पेड है, ठीक है। तो आपको फीस कैसे पे करनी है, देखो जैसे मान लीजिए आप बाय नाउ पे, ये बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा फीस पेमेंट का, है ना। यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप फीस कैसे पे कर सकते हो, अभी फीस के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आप इस QR कोड को पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू स्कैन करके फ़ीस पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये UPI ID दे रखी है, इसके थ्रू भी आप फीस पे कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे जो फीस की डिटेल दे रखी है, कैसे ज्वाइन करना है। फीस पे करने के बाद आपको ना हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, आपकी क्लास तुरंत एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। दो कोर्स अभी के लिए फ्री हैं, BMTC 131 ये आपका फ्री है, इसके लिए फीस पे मत करना, केवल लॉग इन करना आप क्लास देख पाओगे। और आपको जो BPSCT 131 है, इसे भी केवल लॉग इन करना आप हमेशा क्लास देख पाओगे। क्लास कैसे देखनी है, कहाँ पर आपको लेक्चर सारे कंटेंट मिलेगा, वो भी हम आपको बताने वाले। बाकी यहाँ पे आप नोटिस करो, सभी कोर्सेज के ना फीस दे रखे ठीक इसके सामने, है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे अगर आप BMTC 134 ज्वाइन करना है, तो इसकी फीस क्या होगी, 699, और ये ऑफर है। नॉर्मल फीस 2000 है,
और ऑफ़र के अकॉर्डिंग 699 है। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा ऑफ़र चाहिए, अगर आप एक से ज़्यादा क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तब भी आपके यहाँ पर ऑफ़र दे रखा है। अगर आप एक कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी फ़ीस 699 होगी, अगर आप दो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी फ़ीस 1000 रुपीज़ होगी। इसी तरीके से अगर आप तीन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी फ़ीस 1500 रुपीज़ होगी। इस तरीके से आप और भी एक्स्ट्रा ऑफ़र मतलब अवेल कर सकते हो अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स को ज्वाइन करते हो, इतना ठीक है। बाकी ये बात ध्यान रखना, यहाँ से आप स्कैन करके और यूपीआई के थ्रू फीस पे कर सकते हो। फीस पे करने के बाद हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। सेकंड बात देखो, मान लीजिए आपने कोई क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है, जैसे मान लो आपने BMT 141 ज्वाइन कर लिया। आप सारे देख लीजिए, आप किसी पर ओपन करना, जैसे आप BMTC 131 ओपन करेंगे, अभी हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे साथ में, ठीक है। माई लेक्चर वाले सेक्शन में आपको BMTC 131 के लेक्चर्स और नोट्स दोनों मिलेंगे। असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको BMTC 131 के असाइनमेंट के लेक्चर्स और नोट्स दोनों मिलेंगे, टाइम टू टाइम मिलेंगे, ठीक है। 30 अप्रैल तक आपको ये पूरा हो जाएगा। देन PYQs वाले सेक्शन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनके लेक्चर्स और नोट्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो भी आप ज्वाइन करोगे, मान लीजिए आपने BMTC 133 ज्वाइन किया, तो सेम इसके अंदर भी माई लेक्चर्स के अंदर वीडियो और नोट्स, असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट के लेक्चर्स और नोट्स, PYQs के अंदर PYQs के लेक्चर्स और नोट्स, और कोर्स के अंदर आपकी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने BMT 141 को ज्वाइन किया, जैसे आप इसके लेक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे माय लेक्चर्स पे, तो आपके सामने ये लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर देखो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका लेक्चर्स का, एक ऑप्शन आपका PDF नोट्स का। जब आप लेक्चर्स पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे लेक्चर शो हो जाएंगे। ये किसी और स्टूडेंट का अकाउंट है, ठीक है, उसमें हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लेक्चर्स आपके सारे ओपन हो जाएंगे, जैसे लेक्चर यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये दिख जाएगा। और यहाँ पे एक बात देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा हमारे पास, यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल 7 लेक्चर्स है, ध्यान से सुनना, यूनिट फर्स्ट के अंदर टोटल 7 लेक्चर्स है। जैसे ही किसी एक यूनिट के सभी लेक्चर्स फिनिश हो गए ना, तो ठीक उसके नीचे ये वाला ऑप्शन देखना, यूनिट फर्स्ट और PYQ सॉल्व, है ना। तो जैसे यूनिट फर्स्ट फिनिश होगा, यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, वो भी आपको साथ के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नोट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे। लेक्चर फर्स्ट के नोट्स हैं, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, सेवन तक के आपको नोट्स मिलेंगे। फिर जो आपके यूनिट फर्स्ट से जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, उनके भी नोट्स आपके यहाँ पर ऐड होते रहेंगे, ठीक है। ये किसी और स्टूडेंट का था तो उसके थ्रू आपको बना के दिखा दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से आप जो भी कोर्स ज्वाइन करें, चाहे मैथ्स का ज्वाइन करें या फिर आप फिजिक्स का ज्वाइन करें, सभी में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक, या फिर यहाँ पे सबसे नीचे देखिए व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रखा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है।